नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दारू हरिंद्रा पौधे के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मिलावटी खान पान और प्रदूषण के बढ़ने से लोगों में कई बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे वे कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं। अगर आप इन समस्याओं से बचाना चाहते हैं तो आपके लिए दारू हरिंद्रा नामक जड़ी बूटी का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं दारू हरिंद्रा पौधे के फायदों के बारे में। नंबर एक, दारू हरिंद्रा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कैंसर के मरीज को नियमित रूप से दारू हरिंद्रा और हल्दी के मिश्रण का सेवन करना चाहिए। नंबर दो, मुहासे घाव अल्सर आदि का इलाज करने के लिए दारू हरिंद्रा जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए जड़ी बूटी को पीसकर त्वचा पर लगाएं। नंबर तीन, दारू हरिंद्रा का उपयोग बुखार को ठीक करने में मदद करता है। रोगी को दारू हरिंद्रा के पौधे की छाल और जड़ की छाल बना काढ़ा दिन में दो बार पिलाएं, राहत मिलेगी। नंबर चार, इस जड़ी बूटी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। दारू हरिंद्रा को हल्दी के साथ मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं, इससे गठिया दर्द में भी राहत मिलेगी। नंबर पाँच, ल्यूकोरिया और मेनोरेजिया जैसी समस्याओं के लिए भी दारू हरिंद्रा के रस का सेवन लाभकारी होते हैं। नंबर छः, कान के दर्द को कम करने के लिए दारू हरिंद्रा के रस की दो बूंद डालें, इससे आराम मिलेगा। नंबर सात, दारू हरिंद्रा में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण पेट में मौजूद संक्रमक जीवाणु को विकास और प्रभाव को कम करते हैं, जिससे दस्त और पेचिश जैसी समस्याओं में निजात मिलता है। नंबर आठ, बवासीर के रोगियों को दारू हरिंद्रा को मक्खन के साथ 40 से 100 मिलीग्राम मात्रा में मिलाकर लेना चाहिए, इससे दर्द कम होगा, साथ ही खून आने की समस्या भी बंद होगी। नंबर नौ, दारू हरिंद्रा के फलों में रक्त शर्करा को कम करने की क्षमता होती है, इसके सेवन से डायबिटीज रोग में लाभ होता है। नंबर 10, दारू हरिंद्रा को आंखों के संक्रमण दूर करने में प्रभावी पाया गया, इसके लिए आप दारू हरिंद्रा को मक्खन दही या चूने के साथ मिलाएं और आंखों की ऊपरी क्षेत्र में लगाएं।